ये है दिल्ली दर्पण। दिखाई दे रहा नजारा वीटा डेयरी प्लांट का है, जहां तैनात मौजूदा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल डेयरी के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र डागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्लांट में दो अधिकारी मनवीर सिंह और केपी उपाध्याय ने मिलकर गलत ढंग से भर्ती और प्लांट में काफी घपला किया है। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग के ऑडिटर ने अपने ऑडिट में इन सभी घोटालों को सही पाया है और विभाग के उच्च अधिकारियों को गलत ढंग से लगाए जाने पर कर्मचारियों को हटाने और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। डेयरी के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र डागर ने बताया कि नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद आज भी करीब 30 कर्मचारी प्लांट में काम कर रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। डागर की माने तो इस मामले में वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपने विभागीय मंत्रियों को शिकायत करने के अलावा सीएम विंडो पर भी दो बार शिकायत कर चुके हैं। डागर ने आरोप लगाया कि उक्त अधिकारी प्लांट से घी और दूध चोरी जैसी वारदात को भी अंजाम देते हैं, जिसमें उन्हें वीटा कंपनी ने कई बार जुर्माना भी किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि कर्मचारी वीटा कंपनी में रहकर अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। और मनवीर भाटी जो कि पूरे प्लांट का हेड बना हुआ है, सारे सब उसके पैसे की उगाही करके लेन देन जो दो नंबर काम कराता वो कराता, उसके घी की चोरी पकड़ी गई चालक हजार में, उसमें उसका भतीजा इन्वॉल्व है जो कि उसको निकाल कर पेट से बाहर कर दिया। चोरी पकड़ी राजेंद्र शर्मा जी ने, राजेंद्र शर्मा को निकाल के बाहर कर दिया, उसकी न्यूनिटी करा दी गई। जो लोग चोरी पकड़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको लोग निकलवा के बाहर कर देते हैं। चौधरी राजेंद्र जी थे सीईओ, उन्होंने इस मामले को उजागर किया, उनको उन्होंने निकलवा के बाहर करवा दिया। इन लोगों के इतने हौसले बढ़ चुके हैं, कोई वो ही नहीं, इनकी कोई रोकने वाला नहीं है। ये आरोप सारे निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई पावर नहीं है किसी भी तरह की, है जी, कि मैं कोई अपने परिवार को या उनको लाभ पहुंचा सकूं। और अपनी ईमानदारी से, नेक नियत से मैंने काम किया, कर रहा हूं, जिस उससे मेरा घर परिवार है, मेरे बच्चे पले हैं, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी सारा देख सकते हैं शुरू से ही, कि मैंने कितना मेहनत किया, खून पसीने एक किया और ये डेयरी प्रॉफिट में रही है जी, हर तरह के प्रॉफिट में। ये किसी ने लगाए आरोप तो बिल्कुल निराधार और गलत लगाए हैं, क्योंकि गलत है। मेरी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी यूनिट कैसी भी कोई भी इंक्वायरी कर सकती है, पता कर सकती है कि मैंने क्या संपत्ति प्राप्त की है, क्या किया क्या नहीं किया। जनाब, मैं हरियाणा डेयरी वीटा मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ में सन 2008 से दूध का डिस्ट्रीब्यूटर था, कृष्णा एंटरप्राइजेस मेरी फर्म का नाम था। जनाब 13 मई सन 2011 को मेरी एजेंसी को बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन, बिना किसी कॉज नोटिस के तत्कालीन सीईओ एस के सैनी ने मनवीर सिंह भाटी के प्रभाव में आकर उस एजेंसी को, मेरी एजेंसी को कैंसिल कर दिया। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर